आप सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा आभूषण है जो कि व्यक्ति को संस्कारवान और सुशील बनाता है। और अगर महिला शिक्षित होती है तो कहते हैं कि पुरुष शिक्षित होता है तो वो थोड़े से लोगों को ही शिक्षित कर पाता है, अगर महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इसलिए जो है महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और महिला जो है वो एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जो एक नहीं दो दो घरों को रोशन करती है। माँ जब तक उसकी शादी नहीं होती तो वो मायका संभालती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल में चली जाती है। परंतु हमने देखा है अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो गांव में अभी भी हमारी महिलाएं जो हैं वे बहुत सी अशिक्षित हैं। तो हमारी शिक्षा नीति में सबसे बड़ी कमी है कि ट्वेल्थ तक हम कोई भी ऐसा व्यावसायिक शिक्षा नहीं देते हैं जो कि उस बच्चे के काम आ सके। क्यों, इसका कारण है कि बहुत सारे समाज में लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कई लोग अपनी बालिकाओं को सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ा के छोड़ देते हैं और आगे नहीं पढ़ाते। उसका कारण क्या है, हम में से बहुत से लोग ये जानते होंगे और घरों में ये बात होती है कि स्त्री तो पराया धन है, इसे 8वीं से आगे पढ़ा के क्या करना है। ये समाज में गांव में ऐसी चर्चा की जाती है। तो कृपा करके जितने भी यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं या माताएं या बहनें बैठी हैं या सास ससुर और पति बैठे हैं, वो अपने घर में अपनी बालिकाओं को की पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा ना हो कि वो बच्चे 8वीं पास करके और फिर उसके बाद अशिक्षित रह जाएं या उस कम नॉलेज रह जाए उनकी। और कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो पढ़ने के बाद समानता का दावा करने लगती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर महिलाएं समानता का दावा करती हैं तो इसमें बुरा क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे पुराने समय में अहिल्याबाई, आजकल एक सीरियल भी चल रहा है आपने देखा होगा, अहिल्याबाई जो है अपने इतने पुराने समय में उन्होंने विधवा विवाह पे धर्म गुरुओं से लड़ाई की। और आज के समाज में सुषमा स्वराज हैं, मायावती हैं, हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी रही हैं, इन सब ने कितना योगदान दिया है। अब मैं इस पे आऊँगी कि हमें सुधार क्या करना है। हम सभी महिलाओं को देशव्यापी आंदोलन करना चाहिए कि किसी भी घर में कोई भी लड़की जो है वो अशिक्षित ना रहे। और ऐसा कानून, सरकार ऐसा कानून बनाए कि यदि किसी घर में बालिकाएं हैं और वे पढ़ने नहीं जा रही हैं तो उनके लिए दंड निश्चित किया जाए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए उन फैमिलीज़ को जो कि अपने बच्चों को या ख़ास तौर से अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत कला, नृत्य कला और पाक कला, इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा दी जाए ताकि बच्चे अगर 8वीं तक भी पढ़ते हैं या 12th पास करने के बाद नहीं पढ़ पाते तो अपना कोई व्यवसाय खोल सके। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्री निशंक जी ने एक शिक्षा नीति बनाई जिसमें 5+3+3+4 उन्होंने कहा कि 5वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाए, फिर उसके बाद 3 साल और 8वीं तक पढ़ाया जाए, फिर 11th और फिर उसके बाद 4th। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ साथ चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। सिलेबस में ऐसे विषय लाने जाए चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं वो गंदी विचारधारा को छोड़कर अच्छे चरित्रवान बने। बस मैं यहीं पे अपने विराम कर रही हूँ। और लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ, ए नारी, जिंदगी गुजारने वाली नहीं, जिंदगी गुजारने वाली नहीं, जिंदगी जीने वाली बनो। रोने वाली नहीं, रुलाने वाली बनो और हंसने हंसाने वाली बनो। धन्यवाद।